जयपुर के सोडाला के देवीनगर में शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को राष्ट्रीय स्तर की गुणवत्ता वाले चिकित्सा संस्थान के रूप में भारत सरकार की मान्यता मिली है। यह प्रदेश का पहला अर्बन पीएचसी है जिसे यह मान्यता मिली है। चिकित्सा विभाग के विशिष्ट शासन सचिव और मिशन निदेशक एनएचएम डॉक्टर समीर शर्मा ने पीएचसी की टीम को राष्ट्रीय प्रमाण पत्र और ट्रॉफी से सम्मानित किया। मिशन निदेशक शर्मा ने बताया कि अब विभाग ने मेरा अस्पताल नामक पोर्टल बनाया है। इसके जरिए मरीज सरकार को बताएंगे कि अस्पताल में कैसा उपचार हुआ है। इसके लिए हॉस्पिटल में दर्ज मरीज के नंबर पर विभाग फोन कर फीडबैक लेगा। मिशन निदेशक ने बताया कि अब निजी अस्पताल जैसा ही इलाज जिला अस्पतालों में मिलेगा। इसके बाद 31 जिला अस्पतालों में विभाग यह पोर्टल शुरू करेगा। तो विभाग के लिए ऐतिहासिक दिन है और कई महीनों से इसके लिए प्रयास चल रहा है और सपना एक ये है कि जिस प्रकार प्राइवेट हॉस्पिटल्स में अच्छी व्यवस्थाएं मिलती हैं, वो अस्पताल साफ मिलते हैं, अच्छी सेवाएं मिलती हैं, गुणवत्तापूर्ण सेवाएं मिलती है, मरीजों की संतुष्टि की सेवाएं मिलती है, उस प्रकार राजस्थान के अगर हम सब सेंटर को भी जोड़ लें तो करीब 20,000 अस्पताल हैं। तो चुनौती है कि सभी 20,000 अस्पताल में राजस्थान के जो 7 करोड़ लोग हैं उनकी अपेक्षाओं की और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं मिले, ये चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग का ध्येय है, उद्देश्य है और इसी पे आगे बढ़ते हुए हम इसको करते जा रहे हैं। और इस साल का 1 जनवरी से हम शुरू करें तो ये 6ठा इंस्टीट्यूट है जिसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सर्टिफाई किया है। बट इस इंस्टीट्यूट की एक अलग बात है क्योंकि ये राजस्थान का पहला